नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण की बुधवार को शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी खेल महाकुंभ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बस्ती गुरु वशिष्ठ की पवित्र भूमि है, ये श्रम साधना तप और त्याग की धरती है। आज बस्ती और दूसरे जिलों में खेलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, देश भर में 1000 से अधिक खेलो इंडिया सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 50 से अधिक सेंटर बनकर तैयार हो चुके हैं। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सांसद हरीश द्विवेदी भी मौजूद रहे। विजयश्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करती है। मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे सांसद के साथी भाई हरीश द्विवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। मुझे बताया गया है कि भारत के करीब करीब 200 सांसदों ने अपने यहां इसी तरह एमपी खेल स्पर्धा आयोजित की है, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। मैं भी एक सांसद हूं, काशी का सांसद हूं, तो मेरे काशी के संसदीय क्षेत्र में भी ऐसा खेल स्पर्धाओं का सिलसिला चल पड़ा है। इसी तरह के खेल महाकुंभ अनेक स्थानों पर कराकर, एमपी खेल स्पर्धा कराकर सभी सांसद नई पीढ़ी का भविष्य गढ़ने का काम कर रहे हैं। तो खबर औरैया से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हाईवे पर खनन की चेकिंग करने गए एसडीएम की गाड़ी में तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हो गए। एसडीएम को हालांकि मामूली चोट आई है, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। कार में सवार अर्दली उपेंद्र कुमार और चालक अंकुर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि उप जिलाधिकारी रमेश चंद्र यादव को मामूली चोट आई है। बस वाले ने भी नहीं देखा, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। तो आमने सामने जी नहीं, साइड मोड़ने पे, मतलब वो मोड़ रहे थे तो समझिए साइड में ही थे, गाड़ी मोड़ेगी तो भाई। गाड़ी में कौन कौन था? एसडीएम साहब के ड्राइवर थे उनके। अभी तीन व्यक्ति आए हैं, एक रमेश, अंकुर और उपेंद्र कुमार। ये तीनों लोग बता रहे थे, तीनों लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं, जो किसी बस ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। तो ये आए थे, इनकी और इनका प्राथमिक उपचार करने के बाद, इनको सूचरिंग करने के बाद इनको घर भेज दिया गया है। फतेहपुर में सामूहिक धर्माधरण के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। एसपी ने मामले में लोकल एसआईटी टीम गठित की। टीम ने जिले में अब्रॉडवेल अस्पताल, वर्ल्ड विजन और इवेजिकल चर्च में छापेमारी भी की। साथ ही साथ इस दौरान टीम ने विदेशी फंडिंग के साथ ही इस मामले में अस्पताल स्टाफ और कर्मचारियों से कई घंटे पूछताछ की। जिले भर में 4 टीमों के सभी जगहों पर अलग अलग छापेमारी की गई, इससे हड़कंप की स्थिति भी बनी हुई है। आपको बता दें कि धर्मांतरण के मामले में कोर्ट से सर्च वारंट जारी होने के बाद
टीमों ने सभी जगहों पर यह कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने दस्तावेज भी खंगाले। पुलिस को शक है कि आगे और भी देशों से विदेशी फंडिंग के राज खुलकर सामने आ सकते हैं। पुलिस ने इन सभी जगहों पर कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद कार्रवाई की है। तो अपना माननीय न्यायालय के आदेश सचिवालय का राशन लोग राशि दे रहे हैं। शहर नहीं है, चार फीट से तो फिरोजाबाद जिले के थाना एका क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 13 साल की किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि गांव के एक युवक किशोरी के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया था और उसने किशोरी को इतना डराया धमकाया कि जिसके डर में ही किशोरी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। देखिए, थाना एका में खेड़िया गांव है, वहां पे एक ईंट भट्टा है। वहां पे जिला हमीरपुर से दो परिवार आकर के ईंट भट्टे पे काम कर रहे थे। उसमें से एक परिवार ने कल आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और उस आत्महत्या के लिए उनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है वो जिम्मेदार है। राम कुमार नाम है उसका, वो उसी गाँव का रहने वाला है और उसने उनके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उनकी डॉटर ने आत्महत्या कर ली। इस पे हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको गिरफ्तार करके हम जेल भेज रहे हैं। बाकी छानबीन की जा रही है पूछताछ के अनुसार और बाकी जो भी एविडेंस हमको मिल रहे हैं उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल सुनिश्चित कर रहे हैं। हो गया था, कह रहा हूं, मेरी रखवाली फांसी लगा ली लड़के ने। क्यों लगा ली थी, क्या वजह थी? उसके साथ कोई गलत काम हुआ था? फिर मैंने देखा कि 10 मिनट तक मैंने कोई लड़की कहाँ गई, लड़की को पता नहीं, संजय 7:30 बजे की टाइम की बात है। तो हमारी बच्ची अच्छी लड़की देखा तो ये आरोप के भाग गया, जो वहाँ गई लड़की को उठा के लेके आई। फिर उस लड़की को समझाओ तुम सुखो तो उसने सब बताइया। तो खबर हमीरपुर से, जहां एक प्रधानाध्यापक ने आत्महत्या कर ली। हमीरपुर के रहने वाले प्रधानाध्यापक ने सुग्रीव श्रीवास में बीती शाम स्कूल बंद होने के बाद फिर से स्कूल में जाकर आत्महत्या कर ली। ये विषय हालांकि संदिग्ध है क्योंकि सुबह जब सफाई के लिए सफाई कर्मचारी आया तो उसने शव को नीचे पड़ा देखा। सफाई कर्मचारी ने उनके परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसकी जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। वहीं क्षेत्राधिकारी राठ ने बताया कि प्रधानाध्यापक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि इस घटना की जांच कराई जा रही है। जो परका में कन्या प्राथमिक विद्यालय है, जिसके प्रधानाचार्य श्री सुग्रीव श्रीवास जो कंदौली के रहने वाले थे और वो यहाँ प्रधानाध्यापक थे, आज किसी अज्ञात कारण से या घरेलू किसी परेशानी से कलह से उन्होंने आज पंखे में रस्सी बांध के सुसाइड कर लिया। रस्सी कमज़ोर होने की वजह से टूट गई है और घर में भी थोड़ी बहुत कुछ समस्या थी जिसके बारे में जानकारी की जा रही है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे जैसी भी होगी जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुबह जानकारी मिली कि ये सब जो है यहाँ पे विद्यालय के में ही उनके द्वारा आत्महत्या की गई। बाकी पुलिस उसकी जांच करेगी, क्या पोस्टमार्टम से ही जांच स्पष्ट होगा कि क्या घटना है। विद्यालय के स्टाफ के द्वारा बताया गया कि परसों जब से सोमवार से शीत अवकाश के बाद विद्यालय खुला है तो काफ़ी तनाव में थे और परसों विद्यालय में काफ़ी रो रहे थे, कुछ पारिवारिक तनाव के कारण शायद ऐसी कुछ घटना हुई। तो हमीरपुर के सरकारी बंबी में लगे वृक्षों को बेचकर कटवा दिया गया। लगभग 600 मीटर लंबी नहर में लगे वृक्षों को दो ट्रैक लकड़ी कटवा कर बेच दी गई है। साथ ही ग्रामीणों को सूचना मिलने पर ग्रामीण लकड़ी काट रहे लोगों के पास पहुंचे तो वहां से लकड़ी काट रहे व्यक्ति भाग निकले। पूरा मामला तहसील के
त्योस्तना गांव का है। ग्रामीणों ने डीएफओ को सूचना दी, वहीं डीएफओ ने जांच करवाकर उचित कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। हमारे गांव में सरकारी बम्बा है, तो यहां लकड़ी कट रही थी। हमारे गांव के लोग कल्लू सनोप चरण सिंह, नारायण सनोप चरण सिंह, दिलीप सनोप रामरूप, ऋषि सनोप देवेंद्र कुमार, उन्होंने लकड़ी कटवाई सरकारी बम्बा की और दो ट्रक भरवा दिए और अभी डेढ़ ट्रक की लगभग पड़ी है मौजूद। और हमने शिकायत की डीएसओ साहब को, तो उन लोगों ने आदमी भेजे और आदमी देख कर भी वो भाग खड़े हुए। हमारे यहाँ सरकारी बम्बा है जो उसमें कुछ लोग लकड़ी काट रहे थे, और नाम है ऋषि सनोप देवेंद्र चरण कल्लू चरण सिंह और नारायण चरण सिंह और दिलीप सनोप रामरूप। बम्बे की क्या दूरी होगी? करीब करीब 600 मीटर। कितने वृक्ष काट लिए? बहुत सारी, दो ट्रक लकड़ी भेज दी, बाकी है। तो खबर कन्नौज से, जहां पुलिस ने महिला से लूट करने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया। बता दें कि हसेरन की एएनएम से बाइक सवार शातिर बदमाशों ने लूट की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस मामले की गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पर लूट के दो अपराधी पकड़े गए हैं। यह अपराधी कल ई रिक्शा पर जाते हुए एक महिला से उसका पर्स छीनकर भाग रहे थे। इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास पता किया गया, तो इन पे पूर्व में भी इस प्रकार के मुकदमे अन्य जनपदों में पंजीकृत हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, अपराधियों का चालान किया जा रहा है और आगे इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो कानपुर में आंखों के ऑपरेशन में अपनी आंखें गंवाने वाले पीड़ित एक बार फिर डीएम के पास पहुंचे। इस दौरान डीएम से इलाज के लिए मदद भी मांगी, साथ ही मुआवजे की रकम कम मिलने की बात भी कही। गांव के प्रधान पर मुआवजा कम देने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि डीएम विशाख अय्यर ने तत्काल इन्हें जीएसवीएम कॉलेज में उपचार के लिए भिजवाया, साथ ही कम मुआवजा की मिलने वाली बात पर जांच कराने की बात कही है। हमें दस्तखत करा लेंगे दुई जगह, ठीक है, हमें दस्तखत करा लेंगे दुई जगह। कौन लोग 1 लाख? अरे हमें दी नहीं गए, हमें 1 लाख दी नहीं गए, प्रधान जी दी नहीं गए। और दस्तखत मुआवजे के बाद कितनी हुई? यो आदवानी साहब हमें पता है कुछ। अच्छा, हाँ, 1 लाख दे के हमें दस्तखत करा ली नहीं। तो मुआवजा किसके द्वारा दिया गया? अब यो हमें पता ना, ये साइन किसने कराया? साइन वही पर दाने करा ली थी। पैसा आपको मिल गया? पैसा तो मिल गया था। तो आज यहाँ क्यों आए? अब ये साहब कुछ हमें रात हूँ मिल जाए तो हम ये कहा करिए, रही कुछ पावत है नहीं। अब ये हमारे यार नहीं, कुछ रात हूँ मिल जाए हमें मदद। ये आखिर के ऑपरेशन कर रहे हैं असंजा, रात मैया लात के डालिया गाँव मैया बुरा रे खोलेंगे असंजा के पीड़ा शुरू पर निकल जाता। हम लड़का मार भी छोड़ते ना दवाई का, तब आंखें हमारा इस भर ने 1.5 महीना तक अन्न जलो नहीं गा। यहाँ आया ही हो? हाँ, अब जाड़े के मारे बल्ला। तो सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह हुई बैटरी चोरी की घटनाओं को डुमरियागंज पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें कि डुमरियागंज थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर बैटरी चोर गैंग ने बैटरी
चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत डुमरियागंज थाना क्षेत्र और अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज की गई थी। जिस पर घटना को लेकर डुमरियागंज पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि डुमरियागंज थाना क्षेत्र राप्ती नदी पुल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 7 बैटरी बरामद की गई है। देखें, आए दिन बैटरी चोरी की सुविधा डुमरियागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल रही थी। 17/18 की रात को कुछ टीम गठित की गई थी, 2-3 सिपाहियों की, दीवान की, जिसमें इन लोगों ने अच्छी सफलता हासिल करते हुए एक बैटरी चोर जो अग्रहरी होटल के सामने बैटरी खोल करके बेवा चौराहे पर बैटरी खोल रहा था, वहाँ इन लोगों ने गए, दबिश दिए, दबिश में गाड़ी में बैटरी लगी हुई थी, वो लोग लेकर भाग गए और जो बैटरी खोल रहा था वो भी भाग गया। बाद में इन लोगों का पीछा करते हुए दिनांक 18 को 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने हिंदू नेताओं की हत्याओं के विरोध में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका है। डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, देश में पनप रहे आतंकवाद को रोकने के साथ कड़ा कानून बनाने की मांग की। शहर के पटेल नगर चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए और उसके बाद प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने कहा कि देश में जिहादी तत्व घृणा और आतंकवाद का वातावरण निर्माण कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लगातार समाज को इस दौरान डराया भी जा रहा है। इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका जा रहा है, क्योंकि भारत के कोने कोने पर जिस प्रकार से हिंदू नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, आसाम से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता और सामान्य हिंदू नौजवान जो भी हिंदुत्व और राष्ट्र की चर्चा चिंता करता है, उसकी खुलेआम इस्लामिक जिहाद के अंतर्गत हत्या हो रही है, उसी के विरोध में आज बजरंग दल द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा, महामहिम राष्ट्रपति को, और उनसे मांग की जाएगी इस ज्ञापन के माध्यम से कि जिस प्रकार से पूरे भारत के कोने कोने पर इस्लामिक जिहाद, लव जिहाद से लेकर के खुलेआम हत्या हो रही है। तो खबर सोनभद्र से, जहां शतचंडी महायज्ञ का सामूहिक विवाह के साथ भव्य संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि 11 दिनों तक चलने वाली शतचंडी महायज्ञ रामकथा के समापन के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कुल पंजीकृत 116 कन्याओं में 90 की संख्या में मौजूद वर वधु का विवाह संपन्न हुआ। शतचंडी महायज्ञ में पहले दिन कलश यात्रा के साथ लगातार 9 दिन प्रसिद्ध कथावाचक दिलीप कृष्णा भारद्वाज महाराज ने श्रद्धालुओं को कथा सुनाया। साथ ही इस दौरान दो मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत करवाया गया। मैं अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप दूर से चलकर इस नगवा ब्लॉक में इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये पहल है कि हम समाज के अंतिम छोर पर विकास की किरण पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत जो जिला स्तर पर होता था, आज विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि अब सरकार की योजनाएं गांव तक और समाज के अंतिम छोर तक पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल हमारे यहाँ 114 फार्म जमा थे, जिसमें 91 बच्चियों की शादी हुई है। 91 लोग आए थे, उनकी शादी हुई है। शेष जो बाकी हैं अब आगे उनका देखिए। ये कार्यक्रम जो जिले पे हो रहा था, पिछले बार से हम लोगों ने प्रयास किया, यहाँ पे एक आयोजन सतचंडी यज्ञ रामकथा का आयोजन हम लोगों ने पिछले बार से कराया था, तो उसी टाइम हम लोगों ने प्लानिंग किया। हम लोगों की जो बैठक हुई समिति की, उसमें निर्णय लिया गया कि अगर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह भी अंतिम दिन हो जाए तो यहाँ का जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र है, यहाँ के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो असम में हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता शंभू कैरी की हत्या को लेकर उरई में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि बजरंग दल के जिला मंत्री ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला मंत्री आचार्य तजस ने पत्रकारों को बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका के 35 टुकड़े करके फेंक दिए थे और उसके बाद ऐसी कई घटनाएं सामने आई।
जिन मामलों में लव जिहाद दिखाई दिया और उसके बाद बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर, ये हिंदू समाज को आतंकित किया। जिस प्रकार से विकट परिस्थिति हम हिंदुओं के ऊपर मंडराने का काम करती है, वहाँ विकट परिस्थिति है, जिस प्रकार से हिंदुओं पर निर्मम हत्या कर दी जाती है, हिंदुओं को मार दिया जाता है, उनके परिवार में लव जिहाद जैसी समस्या को प्रवेश कर दिया जाता है, दक्षिण भारत के प्रदेशों में जहां पर हिंदूवादी सरकारें नहीं हैं। तो गोरखपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बैंक रोड चौराहे पर बरसों से बांसफोड़ समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे जाम की समस्या हमेशा यहां बनी रहती थी। नगर निगम के प्रवर्तन दल और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यहां किए गए अतिक्रमण को खाली कराया। इस दौरान सड़कों पर व्यवहार करने वाले बांसफोड़ समुदाय के लोगों ने विरोध भी किया। उनका कहना था कि हमारा रोजगार सड़क पर चलता है, ऐसे में सरकार और प्रशासन हमें रोजगार के कोई साधन मुहैया कराए ताकि हम भुखमरी से बच सके। इस दौरान वर्षों से चौराहे पर किए गए अतिक्रमण को टीम ने खाली करवाकर सड़क को पूरी तरीके से जाम मुक्त कर दिया है, लेकिन कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे वर्षों से कब्जा जमाए बेल्ट और पर्स के दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नगराध्यक्ष महोदय का यह आदेश था कि यहाँ पे बसफोड़ काफी दिनों से अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे आवागमन में काफी परेशानी हो रही है, और इसलिए ETF की टीम और मैं सफाई निरीक्षक राम विजय और एक ETF की टीम सभी लोग हैं, और जबकि अभी एक घंटे पहले नगराध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है कि यहाँ से जितने बसफोड़ हैं इनको खाली कर दिया जाए, जिससे आवागमन में किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इसी को देखते हुए हम लोग लगे हुए। हमारे कहने का मतलब, हम लोग का घर द्वार मिला, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, हम लोग का खाली कमाने के लिए दिक्कत हो रहा है, हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा तो हम कैसे घर से छोड़ कर खाएंगे, नहीं हमारे बच्चे जिए खाएंगे कैसे। आप लोगों का रोजगार कहाँ, घर से चलता है या सड़क से? नहीं, हम लोग का सड़क से चलता है, ये हम लोग का रोजगार सड़क ही से चलता है। कितने सालों से आप लोग? हम लोग सन बचपन लोग बाप दादा से मरे सर, हम लोग यही चिंता रही है कि हम लोग कोई करने के लिए हम लोग को कोई रोजगार जगह दे देगा कि हम लोग रोजी रोटी अपना चला के अपने बच्चे जिला सके, मतलब हम लोग घर द्वार दे दिए, सब कुछ दे दिए, हम लोग रहने के लिए जगह दे दिए। सड़क पर जाम लगता है ना, सड़क पर जाम लगता है सर, तो उनको सोचना की हम लोग रोजी रोटी कहाँ चलेगा, घर फोड़ के तो खाएंगे नहीं सर हम लोग। क्या कहना है सरकार से? सरकार से कि हम लोग रोजी रोटी करने के लिए हमको जगह चाहिए, दुकान करने के लिए हमको जगह चाहिए, ये हम लोग बचपन बात होते खत्म हो गए, जमाने एक जमाना बीत गया। तो खबर राजधानी लखनऊ से, जहां विदेशों के बाद अब देश में भी अलग अलग राज्यों और अलग अलग जिलों में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, जिसके तहत 10 फरवरी से 12 फरवरी तक 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। आर्यन टीवी ने वहां पर हो रही तैयारियों का पूरी बारीकी से निरीक्षण किया और अपने दर्शकों को बुधवार रिपोर्ट पहुंचाने का कार्य भी किया है। सरकार की ओर से देश के कोने कोने से आने वाले लगभग 2000 मेहमानों के लिए व्यापारिक सहयोग बढ़ाने, अनुबंध करने और उनके रहने भ्रमण करने के साथ ही सभी पर्यटन और दर्शनीय स्थलों का भी कायाकल्प करने का काम किया गया है। देशी और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ का आवागमन कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने जो आयोजन किया है उसको नाम दिया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो उसके अंतर्गत देशी और विदेशी जो भी हमारे कारोबारी हैं, उद्योग घराने हैं, उन सभी को आमंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। जैसा कि सरकार की एक मंशा है, जो अभी DM साहब भी इसमें उन्होंने बीच में मीटिंग की थी, लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और प्रतिदिन यहाँ निरीक्षण हो रहा है। हम लोग इस समय यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य स्थल है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो मुख्य आयोजन यहाँ पर होना है, तो हम लोग इस समय हैं वृंदावन योजना में। तो यहाँ पर जो हम अभी आपको दिखाएंगे, और इस संबंध में पहले बताना चाहूँगा कि लगभग 2000 जो कारोबारी हैं उनको यहाँ पर लाने की योजना है, उसमें देशी और विदेशी दोनों ही निवेशक हैं।
तो फॉरेन कंट्री से हैं, कुछ हमारे अन्य जनपदों से हैं, प्रदेश अन्य प्रदेशों से भी हैं, वो लोग आकर के, और उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि कारोबारी आएंगे और इस तरीके से होगा, उन कारोबारों के लिए आपस में डिस्कस बहुत बड़ा एक प्लान बनाया गया है, उनके लिए हॉल बनाए गए हैं जिनको B2B करके भी नाम दिया गया कि बिजनेस टू बिजनेस बैठ करके अपनी वो जो आपस में कंसल्टेशन करेंगे किस प्रकार से क्या करना है, आपस में कोई व्यापारी वहाँ से आया है विदेश से है और कोई देश से है तो आपस में बैठ करके वो आपस में कंसल्ट कर सकते हैं कैसे क्या करना है, और बहुत बड़े स्तर पर उनको पूरा लखनऊ इसके लिए तैयार है, लखनऊ का एक एक कोने में कहीं भी हो लाइट की व्यवस्था हो, सड़क की हो, प्रशासन की हो, हर चीज़ को दुरुस्त किया जा रहा है, नगर निगम, बिजली विभाग, उद्यान विभाग, सारे विभागों को लगाया गया, युद्ध स्तर पर काम जारी है और यहाँ पर सभी लोग लगे कि हमारा जो विदेश से आने वाला जो हमारा मेहमान है या हमारे अन्य प्रदेशों से आने वाले लोग हैं किसी को भी लखनऊ के बारे में कोई गलत फहमी ना रहे, क्योंकि लखनऊ एक नज़ाकत और नफासत का शहर है, तो यहाँ पर आने वाला व्यक्ति बिल्कुल मुरीद हो जाए कि वाकई हम लखनऊ गए थे और बहुत अच्छा स्वागत हुआ, अवगत हुआ। इसलिए अभी हम कैमरामैन से चाहेंगे वो आपको दिखाएंगे कि किस बड़े स्तर पे यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, किस तरह से टेंट लगाए जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर बात करने का प्रयास भी करेंगे जो यहाँ पर इसको बनाने का जो मैनेजमेंट है जिनको मिला हुआ है, पूरा मैनेजमेंट जो देख रहे हैं इसको बनाने का, किस तरीके से वो पंडाल अलग अलग क्षेत्र में बनाएंगे, किस में कहाँ ठहरने की व्यवस्था होगी, कहाँ पर पार्किंग होगी, कहाँ पर कॉमन हॉल होंगे, इस तरह से, और जो मेन मंच बनेगा वो किस तरफ बनेगा अभी वो पूरा हमको बताएंगे, अभी हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख सकेंगे यहाँ पर सुरक्षा से संबंधित भी खोजी कुत्ते और सारी सुरक्षा व्यवस्था भी चल रही हैं, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा मूव करके भी दिखाएंगे। तो इस संबंध में पूरी तैयारियाँ हैं, शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अपने अपने काम में अपनी अपनी जिम्मेदारी का सभी निर्वहन कर रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से, सघनता से, क्योंकि बात यहाँ पर देश की आन बान शान की भी है, व्यापार की तो अपनी जगह है, लेकिन विदेशों से हमारे मेहमान आएंगे उनको किसी प्रकार की सुरक्षा संबंधी, आवागमन संबंधी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इन चीज़ों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।